लखीमपुर खीरी में पुलिस की पिटाई से एक नाबालिग की मौत का मामला सामने आया। पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को हिरासत में लिया था। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे को बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। परिजन आरोपी और पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और अड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के अधिकारी और SDM मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। परिजनों का कहना है कि सिपाही और चौकी इंचार्ज उनके बेटे को घर से लेकर गए थे, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि गाँव कमलापुर निवासी लखीराम का 16 साल का बेटा राहुल अपने चाचा के घर गया था। उसी दिन चाचा के घर से एक मोबाइल चोरी हो गया, जिसके बाद चाचा ने राहुल पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया। परिवार का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची और राहुल को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। पुलिस रात में राहुल को खजुरिया चौकी ले गई, जहां उसकी पिटाई की गई और उसकी मौत हो गई।